एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हैं जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने जन्म तो मुसलमान खानदान में लिया था, पर हरिदास ठाकुर बहुत आकर्षित हुए थे हरि नाम के प्रति। उन्हें कहा जाता है असल में हरिदास ठाकुर जी को ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है शास्त्रों में। तो हरिदास ठाकुर रोज 300,000 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। 300,000 बार, 300,000 बार जप करने के लिए सारा दिन बीत जाता था और रात भी बीत जाती थी। तो हरिदास ठाकुर जी दिन में 300,000 बार जप करते थे और इस कारण उनकी महिमा दूर दूर तक फैल गई थी। दूर दूर तक, दूर दूर से लोग आते थे उनको आदर देने के लिए। उनके घर के सामने, झोपड़ी के सामने लाइन लगी हुई होती थी लोगों की, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए। एक तुलसी के पौधे के सामने वो जप करते थे। तो उस गांव का, ये गांव जहाँ की 300,000 बार वो जप करते थे, अब वो बांग्लादेश में है, बंगाल में। तो वहां के जो जमींदार थे उनका नाम था रामचंद्र खान। उन दिनों में जो जमींदार होते थे वो लगभग राजा के समान थे। तो रामचंद्र खान, उन्होंने कहा, मैं इस गांव का धनी व्यक्ति हूं, मुझे इतना आदर नहीं प्राप्त हो रहा जितना कि हरिदास को प्राप्त हो रहा है। तो उनके हृदय में हरिदास के प्रति ईर्ष्या पैदा हुई और उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार से हमें हरिदास को नीचे गिराना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत वैश्य से कहा, हम तुम्हें जो मांगो रकम देंगे, तुमने किसी प्रकार से हरिदास को आकर्षित करना है, उसे तुम्हें संबंध जोड़ना है। वैश्य ने कहा, घबराओ मत, बस 3 दिन चाहिए, 3 दिन में मैं उसको फंसा लूंगी। जब रामचंद्र खान ने कहा, अपने अपने साथ एक पुलिस कांस्टेबल ले जाओ, पुलिस कांस्टेबल झोपड़ी के बाहर रहेगा, जैसे ही तुम्हारा से संबंध जुड़ेगा वो दोनों को पकड़ कर मेरे सामने ले आएगा और फिर मैं सबको बताऊंगा, देखो योगी व्यक्ति। तो जब वो वैश्या पहले दिन उनके पास पहुंची, असल में हरिदास ठाकुर को पता था कि यहाँ का जमींदार रामचंद्र खान नहीं चाहता कि उन्हें इतना आदर मिले। तो हरिदास ठाकुर सोच रहे थे, मैं ये गांव छोड़कर चले जाऊंगा। पर जब उन्होंने देखा कि वैश्य वहां आई है, वो तुरंत ही पहचान गए कि ये वहां के जमींदार की कोई चाल है। तो उन्होंने कहा, ये औरत तो आई है मुझे फंसाने के लिए, पर मुझे उसका उद्धार करने दो, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो किसी के शत्रु नहीं बनते। तो जब वो वैश्य आई हरिदास की झोपड़ी में, तो हरिदास ने उन्हें कहा कि तुलसी के पेड़ को प्रणाम करो। हरिदास ने कहा, मैं समझ गया हूं तुम क्यों आई हो, चिंता मत करो, तुम्हें मैं संतुष्ट करूंगा, थोड़ी राह देखो, जितना जब किया जिम्मेदारी लिए वो अभी समाप्त नहीं हुआ। तो वैश्य वहां बैठी, हरिदास के द्वारा जो हरि नाम का जप हो रहा था उनको सुन रही थी बड़े सावधानी से। रात बीत गई, दिन आ गया। हरिदास ने कहा, आज नहीं कल आना, कल तो मैं जरूर संतुष्ट करूंगा। वैश्य गई, जमींदार रामचंद्र खान तो बड़े उत्साह के साथ वो देख इंतजार कर रहे थे हरिदास फंसा कि नहीं। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, फंसाया उसे कि नहीं। वैश्य ने कहा, आज नहीं, आज हरिदास ने मुझे प्रॉमिस वादा दिया है, आज वो संबंध जरूर छोड़े। तो वैश्य फिर से आई, हरिदास ने कहा, बैठो सुनो, ये हरि के नाम के जो जप हो रहा है। इस प्रकार एक और रात बीत गई।
आज जब समाप्त नहीं हुआ, क्या रहना कल जरूर। तो हरिदास के द्वारा ये जो शुद्ध हरि नाम का उच्चारण सुन रही थी वैशा, उनका जो अशुद्ध हृदय था एकदम पिघलने लग गया। और तीसरे दिन वैश्य वहां बैठी थी, उसने खुद ही हरिदास के साथ हरे कृष्ण मंत्र का जप आरंभ कर दिया। और फिर उसने हरिदास से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं आई थी बुरे विचारों के साथ। फिर उसने बताया कि जमींदार रामचंद्र खान ने उन्हें भेजा था उनको फंसाने के लिए। हरिदास ने कहा कि मुझे पता था तुम किस भावना से आई हो। उसने कहा कि मुझे पता था तुम किस भावना से आई हो। और फिर वो जो वैश्य थी वो हरिदास की शरणागत हुई, उनसे शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कहा कि अब मैं अपना जीवन अर्पण करना चाहती हूँ आपकी सेवा में। तो हरिदास ने कहा कि जो भी संपत्ति है उसको ब्राह्मणों में वितरण करो। और इस प्रकार हरिदास ये जो वैश्य थी वो भी बहुत ही प्रसिद्ध भक्त बन गई। इतनी प्रसिद्ध भक्त कि दूर दूर से संत लोग और बड़े वैष्णव आते थे उनको आदर देने के लिए। तो अगर हम हमारा भाग्य ये हो कि हम हरि नाम को स्वीकार कर पाए भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा, तो उसके द्वारा हमारा आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। तो एक समय हरिदास ठाकुर जी भगवान के हरि नाम की महिमा का गुणगान कर रहे थे, तो उस सभा में एक टैक्स कलेक्टर था। टैक्स कलेक्टर, उन दिनों में भी टैक्स कलेक्टर होते थे, जिनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। तो वो एक सभा में, जिस प्रकार यहाँ एक सभा चल रही है, तो हरिदास ठाकुर जी समझा रहे थे लोगों को हरे नाम की महिमा का गुणगान। ये बता रहे थे कि हरे नाम में इतनी शक्ति है कि हरे नाम के उच्चारण से किस प्रकार व्यक्ति भगवत प्रेम को जागृत कर सकता है। और हरिदास ठाकुर जी ने अजामिल की भी कथा सुनाई थी। तो जो गोपाल चक्रवर्ती था उसने कहा, उसने हरिदास का बहुत अपमान किया। उन्होंने कहा क्या तुम बोल रहे हो, ये संभव नहीं है कि हरि नाम के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो जो भी हरिदास ठाकुर कह रहे थे उसको उन्होंने विरोध किया और पूरी सभा में सबके हृदय में इतना आदर था हरिदास के प्रति कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर जो कह रहे थे उसका विरोध किया। तो थोड़ी देर बाद गोपाल चक्रवर्ती को हरगोपाल चक्रवर्ती ने कहा कि अगर यह हरि नाम के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा, हरिदास से कहा। तो जब उसने कहा हरिदास को कि मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा जब मुक्ति प्राप्त नहीं हो, हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है नाक काट देना पर मुक्ति जरूर प्राप्त होगी। तो गोपाल चक्रवर्ती ने इतना अपमान किया। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, गोपाल चक्रवर्ती को बहुत गहरी बीमारी हो लेप्रेसी की, और जो उनका बहुत खूबसूरत शरीर था सभी बदसूरत बन गया। तो भगवान के जो भक्त है वो तो अपमान आदर अपमान भी महसूस कर लेते हैं। जब गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर जी का अपमान किया तो हरिदास ने फिर बिल्कुल महसूस ही नहीं किया। दूसरे जो भक्त पढ़ते थे उन्हें ही अच्छा नहीं लगा और हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। पर भगवान के भगवान जो है स्वयं वो ये स्वीकार नहीं कर सकते कि उनके शुद्ध भक्तों का अपमान किया जाए। और फिर ये बीमारी के कारण गोपाल चक्रवर्ती का जो खूबसूरत शरीर था खराब हो गया। हरिदास ठाकुर बुरी आयु में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, क्योंकि उनकी तो आदत थी 3,00,000 बार दिन में जप करने की। तो बुरी आयु में जब उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं था तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनसे कहा कि तुम तो जिंदगी भर 3,00,000 बार जप करते आए हो, अब तुम कम कर दो। तो हरिदास ने कहा नहीं, अगर मैं ये जप नहीं करूंगा पूरा तो फिर
माया कहा कि नहीं, मैं जब को कम नहीं कर सकता। तो जब तक हम ये हरि नाम का जप करेंगे, हरि नाम की महिमा का स्मरण करेंगे, हरि नाम को अपनाएंगे, हम अपने आप को भौतिक रूपी समाज के प्रभाव से बचा सकेंगे। इसीलिए ये अवश्य है कि हम किसी न किसी रूप में हरि नाम को अपनाए। खनि काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कि भगवान अवतारित होते हैं कैसे, उनके दिव्य नामों के रूप में। और हरि नाम में भगवान ने पूरी शक्ति डाली है। चेतन चतुर्मित में कहा गया है कि हरि नाम को जीव के साथ जोड़ना चाहिए, और अगर हम यह हरि नाम को अपनाएंगे तो अवश्य ही जीवन का जो उद्देश्य है उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम